हरियाणा के भिवानी में निर्माण मजदूर अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। आपको बता दें कि निर्माण मजदूरों ने भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा जिला कमेटी के आह्वान पर सहायक निदेशक भवन निर्माण एवं कामगार कल्याण बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग के साथ ही मजदूरों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा बाद में सहायक निदेशक शैलेश अहलावत को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मजदूरों ने एक साल से ज्यादा समय से बकायदा सुविधा फार्मों की राशि जारी करने, निर्माण मजदूर के रूप में तस्कीद करने की समस्या का समाधान करने, 2018 में बकाया पंजीकरण फार्मों व बकाया सुविधा फार्मों की राशि जारी करने, ऑनलाइन में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांगों के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। यूनियन राज्य महासचिव सुखवीर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को दी जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर रही है। भाजपा सरकार ने लेबर कानूनों को खत्म कर दिया है, जिसे काम करके घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करना, पक्के रोजगार की बजाय फिक्स टर्म रोजगार को बढ़ावा देना, ट्रेड यूनियन अधिकारियों को खत्म करना तथा उसके समेत मजदूरों को मालिकों का गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। यूनियन जिला सचिव अनिल कुमार ने कहा कि 2005 से लागू श्रम कल्याण बोर्ड को खत्म किया जा रहा है। निर्माण मजदूर लड़की की शादी, मृत्यु लाभ जैसे लाभ के लिए भी सालों तक सीएससी केंद्रों व ऑनलाइन केंद्रों पर भटकता रहता है। अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, जिसके खिलाफ निर्माण मजदूर कारीगर सीटू के आह्वान पर 7 फरवरी को होने वाले कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर घेराव में शामिल होंगे। बताते चले कि हरियाणा के भिवानी में निर्माण मजदूर अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। निर्माण मजदूरों ने सहायक निदेशक भवन निर्माण एवं कामगार कल्याण बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, हम चक्कर काट काट के परेशान हो गए जी। हमारे पैसे लटका रखे कई कई साल हो गए, हमारी बच्चों की शादी को, बच्चों की छात्रवृत्ति को, कुछ भी पैसा नहीं आ रहा हमारा। हमारे फार्म दबा दिए जाते, हमारे को कोई पैसा नहीं मिलता। कितने दिन से समस्या आपकी? समस्या ये 2-3 साल से हो रही है, 1.5 साल तो मेरी लड़की की शादी को हो गया जी। ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, हम तोड़ते जा रहे हैं जी। कभी पैसा नहीं आता, कभी फार्म दबा लेते हैं, कई साल से हो रहे हैं जी। बहुत दुखी हो रहे हैं हम, गरीब आदमी हैं जी। हमारे पैसे गरीबी के पैसे हैं, कन्यादान के हैं, बच्चों के हैं। इसे जल्द जारी किए जाएँ जी, हम परेशान आदमी हैं, हमें दुखी नहीं किया जाए। दूसरे बिन्नम लड़की का ब्याह था, 1-3 साल हो जाएंगे दूसरे बिन्नम, कितना दान नहीं आ रहा ना। सब देख फार्म लामा उसके पीछे आ रहे भाई, मजदूर आदमी से। क्या नाम आपका? कुदली। मेरा अनिल नाम है, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा भिवानी जिले का सेक्रेटरी हूँ, भिवानी और दादरी जिले का। ये आज का धरना हमने इसलिए लगाया है कि पिछले 1-1.5 साल से ये बोर्ड का कार्यालय है, यहाँ भवन निर्माण एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का कार्यालय ये पंचायत घर के अंदर है। यहाँ पर ऑनलाइन सुविधाओं के एप्लीकेशन, कन्यादान के, मृत्यु लाभ के, पितृत्व लाभ के और साइकिल औजार, इस प्रकार के सैकड़ों सुविधाओं के फार्म हैं जो लंबे समय से ये अधिकारी कर्मचारी लटका रहे, अलग अलग बेमानी शर्तें लगा के काफ़ी लोगों के फार्म रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट नहीं किए उनके, हर रोज़ अलग अलग शर्तें हैं, एक शर्त पूरी करते हैं, दूसरी लगा देते हैं, उसके बाद तीसरी, और ये तक भी सुनने में आया है कि ये अधिकारियों की कुछ सीएससी के अंदर और अलग अलग लोगों के साथ साठगांठ भी है। ये जिसके पैसे लेते हैं इस कन्यादान और जो सुविधाओं को पास करने के नाम पर, जो पैसे नहीं देते उनके लोगों के फार्मों को ऐसे ही लटकाते रहते हैं। इसी बात को लेकर के धरना है कि वो जो बकाया जो सुविधाओं के जितने भी फार्म हैं उनकी राशि जारी करो। इसके अलावा 2018 में 1781 मजदूरों का पंजीकरण हुआ था, अभी तक उनकी पासबुक जारी नहीं हुई, और 25,000 सुविधाओं के फार्म हैं 2018 के, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा छात्रवृत्ति के फार्म हैं, साइकिल औजारों के फार्म हैं, उनके किसी का पैसा नहीं डाला गया है। तो इस बात को लेकर के ये धरना है कि वो पंजीकरण की पासबुक जारी करो, बकाया जो सुविधाओं की राशि है उनको जारी करो, और तरह तरह की जो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.